एक्सरसाइज फोर सी में आज आपके पास जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं इस पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आज इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पर लिखा है ई वैल्यूट क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर यहाँ पर सिक्सटी फोर क्यूब रूट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है अब कैसे फाइंड करते हैं बहुत सिंपल मैथड है, है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है सिक्सटी फोर दिख रहा है इस सिक्सटी फोर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा यहाँ पर लिख दिया हमने सिक्सटी फोर गॉट इट अब सिक्सटी फोर ये किससे डिविजल है भैया फोर से जाएगा फोर वन जो फोर और यहाँ पर आ गया हमारे पास ट्वेंटी फोर फोर सिक्स जो ट्वेंटी फोर फिर फोर से करो 4 फोर फोर जो हमारा क्या हो गया सिक्सटीन हो गया फिर फोर से करो यहाँ पर वन अब देखो आपको दिख रहा होगा तीन तीन का पेयर बन रहा है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ फोर इंटू फोर इंटू फोर अब इस फोर इंटू फोर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फोर का क्यूब देख सकते हैं इस क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया फोर बाहर आ गया ये हो गया हमारा आंसर अच्छा कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे सिक्सटी फोर को हमने पहले टू से कैंसिल किया कैंसिल किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास टू वन जो टू और सॉरी टू थ्री जिक्स करेंगे टू टू ज़ फोर फिर टू से करेंगे टू वन जी टू टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व फिर टू से करेंगे टू एट ज़ा सिक्सटी फिर टू से करेंगे टू थ्री फोर ज़ा फिर टू से करेंगे फिर टू फिर टू से करेंगे फिर वन ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हो ना आप तो इसको देखो इसमें जब इस तरीके से आप सॉल्व करोगे ना तो इसके पेयर बनाना पड़ेगा आपका तीन तीन के तीन तीन के पेयर ही क्यों बना रहे क्योंकि यहाँ पर बात हो रही क्यूब की क्यूब की बात होती है क्यूब का मतलब होता है थ्री तो इसलिए तीन तीन का पेयर बना दिया हमने यहाँ पर कर दिया पेयर तो यहाँ से एक टू बाहर आया यहाँ से एक टू बाहर आया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया फोर बन गया आ गया फिर से फोर समझ में आ गया ना ये चीज़ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ क्वेश्चन है जो हमारे पास सी का सेकंड क्यूब रूट है हमें दिया गया है थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री यहाँ पर लिखा थ्री हंड्रेड ये है फोर्टी थ्री थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री किससे जा सकता है सेवन से सेवन से करेंगे तो सेवन फोर जो सेवन नाइन ज़ा सेवन सेवन जो सेवन सेवन ज़ा वन तो हमें यहाँ पर दिख गया है क्यूब रूट ऑफ थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री हो जाएगा सेवन इन्टू सेवन इन्टू सेवन तीन बार सेवन है तो इसको हमने ऐसे लिखा यहाँ पर सेवन का क्यूब और क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल सेवन हमारा बाहर ये हो गया हमारा इसका आंसर और इट अब इसी के थर्ड वाले में आ जाओ तीसरे में हमें कहा जा रहा है कि भैया निकालना है आपको सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन सेवन टू नाइन ये किससे जाएगा भैया थ्री से थ्री टू जो सिक्स और थ्री सिक्स ज़ा थ्री फोर ज़र ट्वेल्व थ्री थ्री नाइन हो गया हमारे पास फिर थ्री से करेंगे थ्री एट जो थ्री वन एट्टी वन थ्री से जाएगा थ्री टू ज़र सिक्स थ्री सेवन जा, फिर थ्री से कर दो यहाँ पर आ गया थ्री नाइन जा, ट्वेंटी सेवन थ्री से करो थ्री थ्री ज़ा थ्री ज़ा और वन कितनी बार आया थ्री तीन बार यहाँ पर आ गया तीन बार यहाँ पर आ गया तो हम लोग थ्री इंटू थ्री कर देंगे इससे थ्री निकाला इस ग्रुप से और इस ग्रुप से थ्री निकाला दो थ्री आ गए थ्री इंटू थ्री हमारा क्या होता है नाइन होता है ये बात समझ में आ रही है चलो पहले यहाँ पर लिख देते हैं हम पूरा लिख के समझा देते हैं जैसे थ्री हमारा आया है एक दो तीन चार पाँच छः बार आ गया हमने तीन तीन के ग्रुप बना दिए क्योंकि क्यूब रूट हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं थ्री का क्यूब इंटू इसमें भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं थ्री का क्यूब वट इट ये क्यूब रूट है ही अब देखो यहाँ पर इसके क्यूब रूट से ये वाला कैंसिल और इसके वाले से इसका भी क्यूब रूट कैंसिल हो गया तो हमारा थ्री इंटू थ्री क्या हो गया बाहर आ गया और थ्री इंटू थ्री होता है नाइन अब एक चीज़ कन्फ्यूज़ हो रोग है अब चीज यहाँ पर समझ लो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ थ्री इंटू थ्री लिखा है यहाँ पर भी क्यूब लगा दिया और यहाँ पर भी क्यूब है तो आप कह रहे होे भैया कि अगर इससे हमने ये पूरा कैंसिल कर दिया तो ये तो बच जाएगा ये तो कैंसिल होगा नहीं होगा देखो इस पूरे का मतलब ये समझ लो कि ये कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ रूट थ्री इन टू और यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ थ्री अब समझ में आया इसका मतलब हो रहा है कि भैया जो ये क्यूब रूट है ना ये इसमें भी लगा हुआ है इसमें भी लगा हुआ है इसलिए ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया थ्री और ये वाला थ्री बाहर आ गया आप समझ में आ रहा होगा अभी भी डाउट है कमेंट करो अब तीसरा हो गया अब चौथे में आ जाओ फोर्थ में हमें गिवन है यहाँ पर वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड 1700 और है 28। एट यहाँ पर हमने कर दिया 1700 हमने कर दिया 28। अब देखो ये किससे जाएगा टू से ही जाएगा टू वन टू एट ज़ा सिक्सटीन हो गया टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू फोर ज़ा एट फिर टू से करो टू फोर ज़ा एट टू थ्री ज़ा टू टू जो फिर टू से करो टू टू जो फोर टू वन जो टू टू सिक्स फिर टू से करो टू टेन जो ट्वेंटी टू एट ज़ा सिक्सटीन फिर टू से करो टू फोर 8 और यहाँ पर ट्वेंटी फोर टू एट हो जाएगा यहाँ पर एक सेकेंड टू फाइव ज़्या टेन टू फोर ज़ा एट ठीक है फिर टू से कर दो टू टू जो फ़ोर टू सेवन जो फोरटीन अब थ्री से करो थ्री थ्री जो थ्री नाइन ना जो ट्वेंटी सेवन थ्री 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 और यहाँ पर वन अब देखो ये कितनी बार आया तीन तीन के ग्रुप बनाओ ये तीन हो गया ये तीन हो गया ये तीन हो गया अब यहाँ पर सिंपल सा लिख दो पहले पूरा लिखते हैं ठीक है ताकि सभी को समझ में आए टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री। अच्छा यहाँ पर क्यूब रूट लगाना ना बोलना अगर आपने सिर्फ़ रूट लगा के कुछ वैल्यू लिखा तो ये स्क्वायर रूट मान लिया जाएगा ठीक है और यहाँ पर थ्री लिखोगे इससे समझ में आता है कि ये क्यूब रूट है गॉट इट अब आगे आ जाओ यहाँ पर आप देख पा रहे हो पेयर बन रहा है इसका पेयर बना तीन तीन का इसका भी बन रहा है और इसका भी बन गया हम लोग यहाँ पर सिंपल सा इसको ऐसे लिखेंगे इसका जब पेयर बना तो इससे टू लिया और इसमें पावर लगा दी थ्री क्योंकि तीन तीन है ना इसलिए यहाँ भी टू लिया और इसमें पावर लगा दी थ्री और यहाँ भी हमने थ्री लिया और इसकी भी पावर लगा दी थ्री क्योंकि इसमें भी तो तीन है इसलिए अब देखो सब में पावर थ्री है तो इससे इन सभी का क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर टू इंटू टू इंटू थ्री बाहर आ गया थ्री टू जेर सिक्स सिक्स टू जेर ट्वेल्व ट्वेल्व हमारा आंसर आ गया आई होप आपको समझ में आ गया अब क्वेश्चन नंबर फोर हम लोगों ने कर लिया है अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है हमारे पास फाइव देखो क्वेश्चन फाइव में है हमारे पास यहाँ पर नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी वन यहां पर लिख दिया हमने नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी वन अब इसको सॉल्व करो नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी वन वन है तो इसका मतलब ये थ्री से जाएगा या फिर सेवन से जा सकता है है ना तो हम थ्री से करके देखें। थ्री थ्री जै नाइन थ्री करेंगे तो थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर थ्री सेवन ज़ा ठीक है ट्वेंटी वन आ जाएगा ट्वेंटी फोर मतलब ज़ीरो यहाँ पर लगेगा एक साथ लिया तो ज़ीरो अब थ्री से करो फिर से यहाँ पर आ गया टेन थ्री टू जो सिक्स थ्री नाइन ज़ा फिर थ्री से कर दो थ्री थ्री जर नाइन थ्री फोर जो ट्वेल्व और थ्री थ्री जर नाइन अब ये फिर से थ्री से जाएगा नहीं सेवन से करो सीधा सेवन से करेंगे तो सेवन एट सेवन फोर सेवन नाइन सेवन 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 वेवन वन हो गया अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बिल्कुल क्यूब रूट में थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन ये हो गया अब यहां पर देखो तीन का पेयर बन गया सेवन का पेयर बन गया तीन तीन का ग्रुप बन गया ये भी बोल दो आप तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर सॉरी क्यूब इंटू सेवन का हमने क्यूब कर दिया अब यहाँ पर थ्री का क्यूब मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब हो रहा है इसका ये क्यूब रूट कैंसिल इसका ये भी क्यूब रूट कैंसिल थ्री इंटू सेवन बाहर हो गया सेवन थ्री थे ट्वेंटी वन हमें समझ में आ गया कि भैया ट्वेंटी वन है इसकी वैल्यू बस क्वेश्चन फाइव सॉल्व कुछ भी नहीं इसमें क्वेश्चन सिक्स यहां पर है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ फोर थाउजेंड नाइनटी सिक्स अब फोर थाउजेंड नाइन्टी सिक्स पर कर 4096. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व होगा टू से जाएगा टू टू जो टू थ्री 6, या फिर टू फोर 8 होगा और टू एट 16। फिर टू से करेंगे टेन टू फोर फिर टू से करेंगे फाइव वन टू फिर टू से करो टू टू जो फोर टू फाइव जो टेन और टू सिक्स जो ट्वेल्व हो गया ठीक है क्या गया टू फाइव सिक्स टू वन जो टू टू फोर जो एट टू एट जो सिक्सटी फिर टू से करो फिर टू सेवन जो फोरटीन टू फोरटीन टू फोर जो एट फिर टू से करो बहुत बड़ा आएगा टू थ्री जो सिक्स टू सेवन जो फोर्टीन टू थ्री जो सिक्स टू सेवन जो फोरटीन एक सेकेंड टू सिक्स जो टल्व एक सेकेंड से उस गड़बड़ है टू टू जो फ़ोर यहाँ आप गड़बड़ता था, यहाँ पर टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू थ्री जो सिक्स टू टू जो फोर फिर टू से टू वन जो टू टू सिक्स जो ट्वेल्व फिर टू से फिर टू से करते जाओ करते जाओ करते जाओ टू एट जो सिक्सटीन फिर टू फिर फोर फिर फोर फिर टू फिर टू फिर टू जब तक निकलना जाए करते जाओ यहाँ पर तीन का पेयर बना यहाँ पर तीन का पेयर फिर से तीन का पेयर फिर से तीन का पेयर ग्रुप बन रहे तीन तीन के कितने ग्रुप बने एक दो तीन चार सिंपल सा अब इतना बड़ा था हम लिखेंगे नहीं सिंपल लिखा टू ये ग्रुप बना इसकी पावर थ्री कर दी फिर ये वाला ग्रुप बना इसमें लिखा टू इसकी पावर थ्री कर दी फिर यहाँ पर ये ग्रुप बना इसकी पावर फिर थ्री कर दी थ्री पता है क्यों कर रहा है क्योंकि ये टू है ना तीन बार आ रहा है इसलिए पावर में थ्री कर दिया यहाँ पर देखो ये ग्रुप बना इसकी भी पावर हम थ्री कर देंगे यहाँ पर हो गया इसका मतलब हो रहा है ये सभी इसको काट के बाहर निकल आएंगे अब यहाँ पर लिखा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू 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 ज हो गया फोर 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 जिक्सटीन यहां पर हो गया सिक्सटीन हमें पता चल गया सिक्सटीन है इसका क्यूब रूट बस हो गया काम हमारा तो क्वेश्चन नंबर यहां पर हम लोगों ने सिक्स को कर लिया है समाप्त अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर क्वेश्चन सेवन यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ एट थाउजेंड यह है एट थाउजेंड अब इसको भी कर लो देखो किससे जाएगा एट एक दो तीन टू से करोगे टू फोर जा एक दो तीन फिर टू से करोगे टू एक दो तीन फिर टू से करोगे वन एक दो तीन फिर टू से करोगे फाइव डबल ज़ीरो फिर टू से करोगे टू फिफ्टी फिर टू से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा तो वन ट्वेंटी फाइव फिर जब ये फाइव से जाएगा तो फाइव ट्वेंटी फाइव फिर, फिर फाइव से करोगे तो यहाँ पर फाइव फिर यहाँ पर फाइव से करोगे वन अब इसके ग्रुप बनाओ तीन तीन के इसका ग्रुप बना इसका ग्रुप बना और इसका बन गया ग्रुप एकदम सिंपल सा बार बार लिखेंगे नहीं पूरी वैल्यू इसका ग्रुप बनना है ना तीन का तो टू की पावर थ्री ठीक है इन टू इसका भी ग्रुप बन रहा है तो टू की पावर फिर से थ्री इन टू यहाँ पर फाइव की पावर थ्री हो गया काम अब ये सबको काट पीट के बाहर निकल आएँगे तो टू इन टू टू इंटू, इंटू फाइव ये समझ में ना आ रहा है आ रहा है ना कि कैसे बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है तो फिर से पीछे जाओ शुरू से देखो तब समझ में आ जाएगा अच्छा नहीं आ रहा है तो फिर से बता रहे हैं देखो ओके यहाँ पर लिखा हुआ है टू की पावर थ्री और यहाँ पर है क्यूब रूट अब क्यूब रूट से ये क्यूब हमारा कैंसिल हो जाता है तो टू बाहर आ जाता है और इसके साथ एक और नंबर है तो भैया अगर ये पूरे में क्यूब रूट लगाए तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये सभी के ऊपर लगा हुआ है तो आपको सभी से कैंसिल करना पड़ेगा फिर जो बच रहे है नंबर उनको बाहर बुला लो और बोल दो ये हमारा आंसर है ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन का हमारा आंसर ट्वेंटी अब क्वेश्चन नंबर एट में आ जाओ एट में हमारे पास क्यूब रूट ऑफ थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी सेवन थर्टी फाइव है ये हो गया ओके अब हमें यहाँ पर लिखना है थ्री थाउजेंड 375, 75 पे फाइव 75. अच्छा यहाँ पर 5 है अब बताओ ये किस से जाएगा 5 है 3 से भी जा, जा सकता है क्योंकि 3 आगे भी है 1 1 3 2 जा सिक्स कर दिया और 3 5 ज़ा फिफ्टीन फिर थ्री से करो 3 3 ज़ा नाइन हो गया और यहाँ पर 3 7 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 3 5 जा हो गया फिर 3 से करो 1 3 2 जा थ्री फाइव ज़ा फाइव से कर दो 25 फिर 5 से कर दो यहाँ पर 5 फिर 5 फिर यहाँ पर 1. का ग्रुप बना और पांच का ग्रुप बन गया तो यहां पर हो गया क्यूब रूट ऑफ थ्री क्यूब इंटू फाइव क्यूब ये हो गया हमारे पास अब ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल और थ्री इंटू फाइव बाहर आ गया थ्री इंटू फाइव बाहर थ्री फाइव हो गया हमारे पास फिफ्टीन और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन भी हमारा कंप्लीट हो गया सॉरी एट हो गया कंप्लीट और एट का आंसर आया है फिफ्टीन अब नाइन पे आ जाओ नाइन में हमें क्या गिवन है ओके okay, अभी अट्ठारह क्वेश्चन है टोटल अब देखो नाइन वाले में ना हमें माइनस में कुछ कहा जा रहा है माइनस है टू वन सिक्स तो आपको घबराना नहीं है माइनस को इग्नोर मार दो ठीक है बस टू वन सिक्स को पकड़ो और इसका ले लो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो टू वन सिक्स और यहाँ पर यह किससे जाएगा टू से टू वन जो टू टू एट जो सिक्सटीन टू फाइव टेन टू फोर एट फिर टू से करो और फिर टू टू जो फोर टू सेवन फोरटीन थ्री से करो थ्री थ्री नाइन और थ्री नाइन जीरो ट्वेंटी सेवन थ्री 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 और वन हो गया तीन का ग्रुप फिर इस तीन का ग्रुप बन गया तो हम लोग यहाँ पर सीधा सा ऐसे लिखेंगे क्यूब रूट टू का क्यूब इंटू थ्री का हमने कर दिया क्यूब ये हमने कर दिया अब देखो दोनों में ही क्यूब लग गया यहाँ पर क्यूब रूट है अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर है हमारे पास माइनस तो अब माइनस लगा दो अब इससे ये कैंसिल हो गया थ्री टू जे सिक्स आ गया हमारे पास वो भी माइनस का सिक्स बाहर आ गया क्या गया माइनस से सिक्स या फिर एक काम समझो ऐसे कि जब कभी माइनस लगा करे तो अब इस माइनस को हटाओ सिंपल सा और इस रूट के बाहर लगा दो यहाँ पर यहाँ पर अब इसको जो सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा बस उस आंसर के बाद माइनस फिर से लगा देना ये हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन का हमारा आंसर ये दो तरीके हैं आप कैसे भी कर सकते हो अब क्वेश्चन नंबर टेन में आ जाओ यहाँ पर है क्यूब रूट किसका है माइनस पाँच सौ बारह है हमारे पास इक्वल्स टू अब इसको कैसे सॉल्व करोगे देखो हम इसको पहले क्या करो कि आप माइनस को बाहर लिखो और यहाँ पर लिख दो पाँच सौ बारह अब बताओ कोई दिक्कत पाँच सौ बारह ये किस से जाएगा देखो टू से ये हमारा जा सकता है जा सकता है तो करो टू टू जो फोर हो गया टू फाइव जो टेन टू सिक्स जो ट्वेल्व फिर टू से करो टू वन जे टू 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 जो फोर टू एट ज़े सिक्स फिर टू से करो टू सिक्स ज टू फोर जाए फिर टू से करो टू थ्री जो टू टू ज़ा टू से करो वन और टू सिक्स ठीक है सिक्स फिर टू से करो टू एट जो टू हो गया हमारे पास फोर फिर टू फिर ये टू फिर ये टू फिर यहाँ पर वन हो गया हमारे पास अब तीन तीन के पेयर बना दो बन गए पेयर अब यहाँ पर लिख दो यहाँ पर हो गया हमारे पास क्या थ्री सॉरी ये हो गया हमारे पास टू इन टू यहाँ पर हो गया टू इन टू हो गया हमारे पास टू यहाँ पर क्यूब यहाँ पर भी क्यूब यहाँ पर भी क्यूब सब में क्यूब है क्योंकि भैया तीन तीन का ग्रुप बन रहा है अब इससे ये क्यूब हमारा बाहर आ गया क्यूब से हमारा ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया तो टू इंटू टू इंटू टू बाहर आ गया ठीक है माइनस लगाया बेस इसके बाहर इसको सॉल्व करो टू टू जै फोर फोर टू जो एट तो माइनस एट हमारा आंसर आ गया ये हो गया क्वेश्चन नंबर टेन का हमारा सोल्यूसन समझ में आ गया अब क्वेश्चन नंबर इलेवन में आ जाओ इलेवन यहां पर फिर से हमें माइनस में दे रखा है माइनस है वन थ्री थ्री वन देखो माइनस को भूल जाओ माइनस को भूल जाओ आप सिर्फ क्या करो कि आप माइनस आखिरी में जब आंसर है ना उसमें लगा दिया करो हो गया क्या आंसर देखो वन थ्री थ्री वन है तो वन थ्री थ्री वन ये इलेवन का होता है किसका होता है इलेवन का वन थ्री थ्री यहां पर वन किया ये इलेवन से जाएगा इलेवन वन जलेवन इलेवन टू ज ट्वेंटी टू इलेवन वन जलेवन इलेवन वन जलेवन और इलेवन इलेवन और इलेवन इलेवन और यहाँ पर आ गया वन इतनी बार इलेवन हो गया अब देखो यहाँ पर सिंपल हमने किया थ्री और यहाँ पर हो गया एलेवन का क्यूब इससे ये कैंसिल हो गया माइनस इलेवन हमारा बाहर और ये हो गया हमारा इसका आंसर आई होप आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन इलेवन भी हमारा सॉल्व हो गया अब आते हैं क्वेश्चन हमारा पास है ट्वेल्व ओके क्वेश्चन ट्वेल्व में आ जाओ यहाँ पर आपको दिख रहा है क्यूब रूट अच्छा अब इसको समझो यहाँ पर है ट्वेंटी सेवन यहाँ पर सिक्सटी फोर तो देखो ट्वेंटी सेवन को भी वैसे ही सॉल्व करो और सिक्सटी फोर को भी वैसे ही सॉल्व करो जैसे इसको सॉल्व किया ट्वेंटी सेवन का हमें पता ही क्या होता है थ्री होता है ठीक है कैसे ट्वेंटी सेवन लिखा थ्री थ्री जी नाइन जी थ्री 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 यहाँ पर वन तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया कैसे लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री सिक्सटी फोर का होता है फोर तो आप सॉल्व करोगे फ़ोर इंटू फोर इंटू फोर, फोर मिलेगा तो आप इसको ऐसे लिखो थ्री का क्यूब और यहाँ लिखो फोर का क्यूब ठीक है इससे ये पूरा कैंसिल थ्री और फोर बाहर आ गया और ये हो गया हमारा इसका आंसर समझ में आ गया कितना सिंपल हो कितना ईजी आई होप आपको समझ में आ रहा है अब क्वेश्चन ट्वेल्व हो गया अब क्वेश्चन थर्टीन पे आ जाओ क्वेश्चन थर्टीन यहाँ पर फिर से हमारे पास दिया हुआ है वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव होता है किसका फाइव का होता है और यहाँ पर है टू हंड्रेड सिक्सटीन टू हंड्रेड सिक्सटीन पता है किसका होता है ये सिक्स का होता है करके देखो वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव है फाइव से करो फाइव टू जो टेन फाइव फाइव जर ट्वेंटी फाइव फिर फाइव से करो फिर फाइव से करो फिर फाइव से करो फिर वन टू हंड्रेड सिक्सटीन ये होता है सिक्स का सिक्स करो तो सिक्स थ्री जो एटीन हो गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास फोर्टी सिक्स ओके तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या फोर्टी सिक्स एक सेकेंड छत्तीसगढ़ अठारह दो तीन थर्टी सिक्स 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 जो थर्टी सिक्स फिर सिक्स फिर सिक्स फिर सिक्स फिर वन ये गड़बड़ हुआ था थोड़ा चलो अब यहाँ पे लिखा हमने क्या फाइव का क्यूब कर दिया डायरेक्ट अब ये बार बार नहीं लिखा सीधे हमने क्यूब लिख दिया और यहाँ पर भी हमने सिक्स का क्यूब कर दिया क्यूब से हमारा क्यूब रूट कैंसिल फाइव और सिक्स बाहर तो लिखेंगे आंसर हमारा आया फाइव बाई सिक्स तो क्वेश्चन ट्वेल्व हमारा थर्टीन सॉल्व हो गया अब क्वेश्चन फोर्टीन पे आ जाओ क्वेश्चन फोर्टीन में हमें गिवन है थ्री मतलब क्यूब रूट ऑफ माइनस ट्वेंटी सेवन और वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव कोई दिक्कत नहीं माइनस को छेड़ो ही मत माइनस को माइनस रहने दो यहाँ पर हमने लिखा क्यूब रूट यहाँ कर दिया हमने माइनस देखो ट्वेंटी सेवन अभी हमने ऊपर निकाला ट्वेंटी सेवन का क्या होता है थ्री और ये देखो दिख रहा है बस तो यहाँ लिखा थ्री क्यूब डिवाइड में वन हंड्रेड ट्वेंटी बताया क्या होता है फाइव तो यहाँ कर दिया फाइव क्यूब क्यूब से क्यूब रूट इस क्यूब से इसका क्यूब रूट और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस थ्री बाई फाइव ये हो गया हमारा इसका आंसर आई होप आपको समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चन कहीं कोई डाउट है तो कॉमेंट करके जरूर बता देना अच्छा एक चीज और बता देते हैं जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है होल में तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ माइनस ट्वेंटी सेवन डिवाइड में क्यूब रूट ऑफ वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है और या फिर इसको इस होल में भी कर सकते हो ये आपकी मर्ज़ी करने की कोई जरूरत नहीं वैसे तो देख लेना आप क्वेश्चन फोर्टीन हमारा हो गया सॉल्व अब क्वेश्चन फिफ्टीन पर आ जाओ यहाँ पर दिया गया है क्यूब रूट हमें सिक्सटी फोर का वो भी माइनस सिक्सटी फोर और डिवाइड में हमें दिया गया थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री अच्छा थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री का भी हम निकाल चुके हैं ये किसका होता है ये सेवन का होता है अब सिक्सटी फोर है सिक्सटी फोर ये किसका होता है ये होता है हमारा फोर का होता है किसका होता है फोर का देखो सिक्सटी फोर फोर से करोगे फोर वन जो फोर और यहाँ पर फोर सिक्स फोर 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 वन आ गया तो यहाँ पर हम लिख लिख सकते फोर का क्यूब माइनस लगा है माइनस लगा दो डिवाइड में हमारे पास थ्री फोर थ्री ये होता है सेवन का तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेवन का क्यूब अब क्यूब से हमारा क्यूब रूट कैंसिल हो गया है तो हम बोल सकते हैं माइनस फोर बाई सेवन हमारा आंसर आ गया है इतनी बात क्लियर फिफ्टीन भी हो गया सिक्सटीन पे आ जाओ सिक्सटीन में हमारे पास थ्री अब क्यूब रूट दिया गया हमें कुछ इस तरीके से सिक्सटी फोर इन टू दे दिया गया सेवन ट्वेंटी नाइन हमने अभी क्या देखा सिक्सटी फोर का जो होता है फोर होता है तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं क्यूब रूट सिक्सटी फोर को लिखा हमने फोर का क्यूब और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 700 हंड्रेड सॉरी सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन है सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन ये किसका होता है ये होता है हमारा ओके okay, ये हो गया नाइन है ना तो ये हमारा किसका बन जाएगा ये सिक्स का बन जाएगा शायद करके देखना पड़ेगा इसका यहाँ पर करते हैं सेवन टू नाइन सिक्स का नहीं होगा ये थ्री करें, से करेंगे थ्री टू जो सिक्स थ्री फोर जो ट्वेल्व थ्री थ्री जो नाइन फिर थ्री से करेंगे थ्री एट जो थ्री वन सा फिर थ्री से करो थ्री टू जो सिक्स थ्री सेवन जो फिर यह आ गया थ्री ये नाइन का होगा थ्री नाइन जो थ्री 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 ओ वन तीन यहाँ पर हो गया तीन यहाँ पर हो गया मतलब ये हो गया थ्री इंटू थ्री देखो तीन का पेयर बना इसको हम लिख ही देते हैं थ्री का क्यूब यह बन गया तीन का पेयर और ये बन गया तीन का पेयर तो ये भी हो गया थ्री का क्यूब अब क्यूब से क्यूब रूट हमारा कैंसिल हो गया तो फोर थ्री और थ्री हमारा बाहर आ गया थ्री फोर से ट्वेल्व और इनटू हमने कर दिया थ्री तो यहाँ पर आ गया हमारे पास थर्टी सिक्स बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का हमारा आंसर आई हाँ, होप आपको समझ में आ गया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पर क्वेश्चन जो सेवनटीन है वो हमारे पास क्यूब रूट है किसका 729 अभी 729 का हम निकाल चुके हैं और यहाँ पर है 1000 1000 729 का हमने अभी क्या देखा थ्री क्यूब इंटू थ्री क्यूब ये देखो है ना अब बार बार तो निकालने की जरूरत है नहीं यहाँ पर लिख दिया हमने थ्री क्यूब इंटू यहाँ कर दिया हमने थ्री क्यूब अब देखो यहाँ पर थाउजेंड है थाउजेंड का क्या होता है पता है? ये होता है टेन क्या होता है टेन का क्यूब देखो टेन इंटू टेन इन टेन करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा थाउजेंड मिल जाएगा तो बस टेन का क्यूब हमने लिख दिया तीन बार टेन का मल्टीप्लाई में थाउजेंड आ रहा है तो टेन की पावर थ्री तो इससे हमारा ये पूरा कैंसिल हो गया बचा क्या थ्री और थ्री थ्री इंटू थ्री और डिवाइड में बच रहा है टेन थ्री थ्री जो हो गया नाइन नाइन बाई हमने कर दिया टेन ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन का हमारा आंसर सॉरी सेवनटीन का आंसर अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में जो कि है एट्टीन क्वेश्चन एट्टीन यहाँ पर है हमारे पास क्यूब रूट इसका है माइनस फाइव हंड्रेड ट्वेल्व डिवाइड में हमारे पास थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री अब फाइव हंड्रेड ट्वेल्व फाइव हंड्रेड ट्वेल्व किसका होता है ये हो जाएगा हमारा किसका एट का हो जाएगा ये है ना फाइव हंड्रेड ट्वेल्व एट का ही होता है ये एट का होगा ठीक है करके देख लेना आप यहाँ पर किया थ्री हमने लिख दिया एट का क्यूब यहाँ पर माइनस लगा दिया डिवाइड में आ जाओ 343 हम लोग ऊपर निकाल चुके 343 होता है सेवन का देख पा रहे हो ये देखो 343 किसका होता है सेवन का तो हमने लिख दिया सेवन का क्यूब अब क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आंसर हमारा क्या आ गया एट बाई सेवन एट बाई सेवन हमारा आंसर आ चुका आई होप आपको समझ में आ गया देखो माइनस लगाए ना माइनस भी लगा दो तो क्वेश्चन नंबर एटीन हमारा कंप्लीट हो गया और इसी वीडियो के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज फोर डी कंप्लीट हो गई और इसके साथ हमारी पूरी चैप्टर पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया फोर का आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ रहा है अगर कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करो वीडियो बना के मैसेज कर दो हमें और हम उसी वीडियो को इसी चैनल पे अपलोड करेंगे आपके आंसर के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज फाइव को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक को समझेंगे आप ये पूरा पढ़ लेना इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखना